तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस आप देख पा रहे हैं और जान भी रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो आपको तो पता है डीसी मोटर है, लेकिन आप अगर नहीं जानते हो तो ये है जो नहीं जानते हैं उसके लिए। तो ये गियर मोटर है, डीसी मोटर, जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है ना। डीसी 12 वोल्ट से, यानी कोई भी चार्जर से आप इसे रन कर सकते हो ना। लेकिन इसका जो आपको खासियत पता है कि अगर हम इसमें अगर घुमाएंगे, रन करेंगे, तो ये स्लो घूमता है ना, ये बहुत स्लो घूमता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे पावर देके आपको दिखा देते हैं ना। तो हम यहाँ पे इसे पावर देंगे और आप देख पा रहे हैं ये घूम रहा है बहुत स्लोली। हाँ, और अगर कोई इसे रोकना चाहेगा, रोक के दिखा दो इसे ना। रोक रहा है? हाँ, तो ये छोड़ो इसे, तो हम इसे कनेक्ट कर लेंगे पूरा और हम आपको दिखाएंगे कि रोक के, ताकि कोई घूम रहा कि नहीं घूम रहा यहाँ से पता चलेगा इस हॉल से। ये इसे नहीं रोक सकते हैं, इसी तरह नहीं रुक रहा, ये घूमेगा। लेकिन हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर किस तरह का गियर लगा हुआ है, जो कि इस तरह से हाथों से रोकना इम्पॉसिबल है ना। तो चलिए हम इसको दिखाएंगे आपको खोल के कि किस तरह से इसका अंदर गियर लगा हुआ रहता है। और ये जो आप देख पा रहे मोटर, आपको लग रहा है कि यहाँ से पूरा मोटर में यहाँ तक है, तो ये गलत सोच रहे हो। हम पूरा आपका पार्ट्स खोल के दिखाएंगे कितना मोटर है और कितना गियर बॉक्स है हमारा, कितना अंदर गियर लगा हुआ है और प्लास्टिक का है कि मेटल का गियर लगा हुआ है ना। बहुत कोई तो देखा होगा कि हाँ गियर मोटर है, लेकिन किस तरह से अंदर में किस तरह रहता है, किस तरह कनेक्शन रहता है, कनेक्शन वायर का नहीं गियर का कनेक्शन किस तरह रहता है ना। तो चलिए हम इसे सबसे पहले पावर इसका कट करेंगे और इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊपर में स्क्रू है, एक नट बोल्ट है ना, इसे लगाने प्रोजेक्ट वर्ड इसको बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसे हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पे तो हमारे मिल जाता है स्क्रू, से निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकल जाता है और ये दूसरा। अगर हम चाहेंगे कि गियर बॉक्स अलग रहे और मोटर अलग रहे, तो इस तरह से नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर से कनेक्ट है ना। तो चलिए इसे अब इस तरह से खोलने के बाद इस तरह से हमें यहाँ एक कैप जैसा मिल जाएगा, जो कि इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका गियर कुछ इस तरह से रहता है ना। और ये जो गियर है, ये गियर मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं, मेटल का है ना। एक गियर यहाँ और हाँ, किसके अंदर गियर आप देख पा रहे हैं कितना है, दिख रहा होगा कितना गियर है, चार गियर है और एक मोटर से कनेक्ट है और एक यहाँ है, इसको ये घुमाता है ठीक है यहाँ पे। तो हम इसको पूरा निकालेंगे, मोटर का साइज़ देखना है और यहाँ से इसको भी यहाँ छेड़ेंगे नहीं हम गियर को, अगर चेंज कर भी देते हैं तो ये सेट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और ये तो वीडियो बन ही रहा है, यहाँ से रिकॉर्ड भी हो रहा है, देख लेंगे कि कहाँ से क्या हुआ है। और अब देखो इस तरह से जो है गियर अलग हो जाएगा और मोटर है ना यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसको चलिए घुमाते हैं और इसे रोक के दिखाते हैं और ये कितना स्पीड घूमता है ये भी देख लो। वो स्लो घूम रहा था, अब ये देखते हैं
ये कितना स्पीड घूमता है, कितना स्लो घूमता है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कितना स्पीड घूम रहा है, और इसे रोक रहे हैं तो ये रुक जा रहा है। लेकिन ये वाला जो इसका गियर है, ये वाला गियर, ये गियर है मेटल का ही है ना? हाँ मेटल का है, यहाँ से देखिएगा आपको मेटल का है। तो आप देख पाए कि नॉर्मल इस तरह से मोटर जो है हम घुमाएंगे तो स्पीड घूमेगा, लेकिन रोक पाएंगे तो रोक भी जाएगा, तुरंत रुक जाएगा ये मोटर पकड़ेंगे तो। और अगर गियर यूज़ करेंगे तो फिर रोकना मुश्किल है ना? तो इसी तरह जो है इसके अंदर गियर रहता है मोटर का, और सेट भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ दिखाना था कि किस तरह से इसके अंदर गियर मोटर रहता है। ये जो मोटर है, ये प्राइस आपको गियर मोटर मिल जाएगा 200 कुछ लमसम में हो जाएगा, है ना? तो वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, है ना? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और कितना गियर मोटर में कितना लोड ले पाएगा, कितना भारी सामान जो है इसे खींच पाएगा, ये भी आपको दिखाएंगे ना। उससे पहले जो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।